कैमूर में शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। सदर अस्पताल में स्वच्छता सुपरवाइजर और इंचार्ज को शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल शराबबंदी कानून वाले बिहार में सदर अस्पताल में मटन के साथ शराब की पार्टी करते हुए 3 सफाई एजेंसियों के कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला कैमूर जिले के भगवान सदर अस्पताल का है, जहां सदर अस्पताल परिसर में कैदी वार्ड के नीचे कमरे में शौचालय सफाई कार्य में कार्यरत सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के इंचार्ज और उसके 2 सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना भभुआ के डायल 112 नंबर के पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर तत्काल पहुंचकर कमरे की 2 तरफ से नाकाबंदी करते हुए 3 शराबियों को रंगे हाथों दबोच लिया। मामले की जानकारी देते हुए भभुआ थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि तीनों मटन के साथ शराब पी रहे थे और काफी हंगामा कर रहे थे। वहीं इसकी गुप्त सूचना डायल 112 के पुलिस को दी गई। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके भभुआ थाना ले आई, जहां ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया तो तीनों की शराब पीने की पुष्टि हुई। आगे कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्वच्छता सुपरवाइजर और इंचार्ज सहित 3 गिरफ्तार, जहां गिरफ्तार आरोपियों में समस्तीपुर निवासी अजीत ठाकुर के 25 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार, जो सदर अस्पताल भभुआ में सफाई व्यवस्था का सुपरवाइजर है, दूसरा सुपरवाइजर वैशाली जिले के जलदाहा थाना क्षेत्र के गामपुर गांव निवासी बीरबल सिंह का 35 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार, वहीं सफाई व्यवस्था का इंचार्ज वैशाली जिले के हाजीपुर थाना क्षेत्र के एकरा गांव निवासी राम सेवक सिंह का 45 वर्षीय पुत्र टिंटून सिंह बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है और न्यायिक हिरासत में पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद भेज दिया है।